इंग्लैंड, अमेरिका, चंडीगढ़, वृंदावन, उधमपुर, कटरा, लखनऊ, अमृतसर और महाराष्ट्र में भी स्थान मिल गया। मैं भी, मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं वहां गया, वहां के भक्तों से मिला था। अलग अलग स्थान के मंदिर निर्माण, फिर गुरुकुल है, रथ यात्राओं का आयोजन करना है, दुनिया भर के हजारों पद्धतियों को प्रेरणा देना, उनका उद्धार करना। और श्रील प्रभुपाद जी के हर समय कभी भी हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के बारे में उनका ही गुणगान करते थे, उनके चरणों में रहते हैं। और बहुत सारी भाषाओं भी जानते हैं महाराज जी, डोगरी है, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती भी। क्योंकि मुझे याद है कि ब्रजमंडल परिक्रमा में एक बार एक बूढ़ी माता जी ने महाराज से, महाराज गुजराती में कुछ बताइए। मुझे तो पता नहीं कि महाराज गुजराती बोलते हैं, लेकिन इतनी मधुरता से भजन किया महाराज ने गुजराती में, बहुत अच्छा लगा। और कुछ अफ्रीकी भाषा भी जानते हैं, मुझे पता नहीं मराठी जानते हैं कि नहीं, थोड़ी शायद मराठी भी जानते होंगे। और फिर मैं ये करना चाहता हूँ कि महाराज जी हमें विशेष मार्गदर्शन करें, जिससे हम सारे जो ब्रह्मचारी अलग अलग स्थानों से लाभान्वित हो सके। महाराज जी अलग अलग स्थानों में क्लासेस देते रहते हैं, कथा करते हैं, सप्ताह होते हैं, और फिर हर रोज उनका तो भक्तों को संग भी प्रदान करते हैं। तो आज हमारे सौभाग्य के आज हमारे बीच में महाराज जी स्वामी महाराज जी उपस्थित हैं। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उनके चरणों में निवेदन करूंगा कि हमें ब्रह्मचारियों को पूर्ण जीवन और ब्रह्मचार्य रहने के उद्देश्य से हमें ऐसा आशीर्वाद This आशीर्वाद meeting is being recorded. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी, आया गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी, गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव
जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरीवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरीवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा मनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी सुंठला भक्ति विदान गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी सुंठला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय इस्कान विभूति संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय श्री धाम मायापुर धाम की जय श्री श्री यमुना मई गंगा मई की जय श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय संकीर्तन यज्ञ की जय हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार हो सब भक्तों की जय जयकार हो गुरु और गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानातिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामायं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरु श्रीज्योतिपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सागना ललिता श्री विशाखावितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांत श्री राधा कांतन वस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुयस्या कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलेंगे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे ब्रह्मचारियों, नोएडा के ब्रह्मचारी, अच्छा, मेरे प्यारे नोएडा महाराष्ट्र और पूरे संसार के ब्रह्मचारियों, आप सबका स्वागत है। और आपने ये इच्छा व्यक्त की ब्रह्मचारी जीवन के बारे में जानने की, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से जो भी हम कहेंगे, आप कृपया उसको ध्यान से सुनिए। देखो, हमारा मनुष्य जीवन जो है केवल आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए ही है, पर जब तक प्रभुपाद जी जैसा कोई महान वैष्णव समझाने वाला ना हो तो कुछ समझ नहीं आता। देखो, भगवत गीता वहाँ है, भागवत है, सारे ग्रंथ हैं, लोग पढ़ते हैं, पर वो लोग भक्त नहीं हैं। वो भक्त नहीं होने के कारण वो ग्रंथों की व्याख्या यथारूप में नहीं कर सकते, उसमें बदल देते हैं, हेर फेर कर देते हैं, अपना विचार डाल देते हैं। तो प्रभुपाद कृपा से हम जो भी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। पहली तो बात यह है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, मनुष्य शरीर क्यों मिला हमको। मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का बस एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, वो है भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति। कुछ प्रश्नों के उत्तर लेना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, शरीर छोड़ने के बाद कहां जाऊंगा, भगवान श्री कृष्ण क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है, मैं उनसे कैसे मिल सकता हूं, इन सब प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए ये शरीर हमको मिला है। अगर इस काम के लिए हमें ये शरीर मिला है तो फिर हम ये काम क्यों नहीं करते, उसका कारण ध्यान रखो, वो भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में 244 में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कह रहे हैं भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम वया विषायात्मका बुद्धि समादो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्याधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। देखो, भगवान को जानने के लिए भक्ति, भक्ति करते सेवा, सेवा करते भक्ति। तो जैसा यहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, दृढ़ निश्चय नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये भोग की कामना, भोग विलास, पुरुष का स्त्री आकर्षण और स्त्री का पुरुष आकर्षण, ये है क्या चीज, ये इतना बड़ा आकर्षण क्यों है। सारी दुनिया, प्रभुपाद कहते थे, ये एक पिवट है, एक नुक्ता, एक बिंदु है, जिसको चार सारा संसार घूम रहा है,
क्या चीज है ये जो आकर्षण है। अब जैसे एक भजन में हम गाते हैं हिंदी में, गृहस्थी लोग प्रायः मोह माया फंसे हुए, गृहस्थी आदमी बड़ी मेहनत करता है, तू रोज कमा कर लाटा गया और खाने वाले खाते गए, परिवार के लोग खा रहे हो कमा के ला रहा है, जब काया निर्बल होने लगी वे तुझको आंख दिखाने लगे। अब जब वृद्ध हो गया अभी कमा नहीं सकता तो घर के आदमी उसको बड़ी ऐसे बड़ी बुरी नजर से देख रहे हैं, फिर जब चल चल तेरी होने लगी एक पल भी कोई टिका ना सका। वृद्धावस्था के बाद फिर जाना है, जब जाने का समय आया तो कोई एक मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता। तो प्यारे ब्रह्मचारियों, महाराष्ट्र नोएडा जगह जगह के पूरे संसार के ब्रह्मचारियों, ध्यान रखो जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, और भगवत प्राप्ति में मन तब लगेगा, भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण की जो भक्ति है उसमें दृढ़ निश्चय कब होगा, जब हमारा मन भोग विलास से हटेगा, जब हम ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेंगे। प्रभुपाद जी ने मुझे क्या शिक्षा दी कि हर स्त्री के प्रति मां का भाव रखना, ये सब ब्रह्मचारियों को ऐसा करना चाहिए। अगर छोटी सी है वो भी माता, स्त्री है लड़की है बड़ी है वो भी माता, वृद्ध है वो सब माता। और ये भी ध्यान रखना है जब हमारी अंतरात्मा शुद्ध नहीं होती, हम लोग विषय विकारों में फंसे रहते हैं, भोगेश्वरया प्रसक्ता नाम तया प्रता चेतसाम, तो हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, हमारी वया भी सहायात्मक का बुद्धि नहीं रहती, हम लोग भौतिक चीजों के प्रति मोहग्रस्त हो जाते हैं। और देखो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कहां से होती है, हम ये शरीर नहीं है, हम इस संसार से नहीं है। भगवान ने ये अर्जुन को समझाया, अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको समझा रहे हैं कि कोई ऐसा समय नहीं था अर्जुन जब तुम नहीं थे। नत्व बाहुम जातु नासम ना तुम नेमे जना दीपा ना चैवा ना भविष्यामा सर्वे भयम मता परम। अर्जुन कोई समय ऐसा नहीं था जब तू नहीं था या मैं नहीं था, नहीं ये राजा महाराजा जो हैं ये नहीं थे, सब थे अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। अभी जब शरीर छूट गया तो क्या रहेगा, फिर जीवात्मा रहेगी, और हम उसी आत्मा को जानने के लिए उसी आत्मा को पहचानने के लिए इस मनुष्य शरीर में आए हैं, याद रखो। और कोई काम नहीं हमारा मनुष्य शरीर में, और जो जितने भी काम है ना भोगों को भोगने के कारण, स्त्री के प्रति आकर्षण होने के कारण हमारे मन मलिन हो गए, और सब जो है ये मलिन मन की उपज है। और याद रखो ब्रह्मचारियों, जब तक मन मलिन है, इस बात को नोट रखो और याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। और मन मलिन कैसा होता है, भोगों को भोगने से, विषयों के साथ प्रेम होने से, और मलिन मन जो भी कह रहे हो सब बेकार है। फिर एक प्रश्न उठता है कि मलिन मन शुद्ध कैसे होगा, हमारी ये भोग आसक्ति समाप्त कैसे होगी। कलिपावन अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हरि नाम ही सार है, साधन बहुत सारे हैं पर अपने मन को शुद्ध करने के लिए हरि नाम, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जो है सार है, इसको जपने से, इसका कीर्तन करने से,
जैसे महाप्रभु ने कहा, उठी थे वैसी थे, खाई थे सुई थे, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नहीं है कि अभी नाम जपना है अभी नहीं जपना, नहीं, हर समय 24 घंटे जब भी सोते समय जागते समय उठते समय बैठते समय, तो ये नाम क्या करेगा, ये जो हमारे अंदर भोग की कामना है, विषय विकारियों विकारों की तरफ हम आकर्षित हैं, पुरुष भी स्त्री भी, इससे हमारा मन हटेगा। और याद रखो सारे, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा, क्या ऐसे चुटकी बजाई तो मन हट गया, नहीं, धीरे धीरे। एक बड़ा सुंदर दुआ है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली जो है पानी का सौ घड़ा डालता है वृक्ष में, समय आने पर जब उसकी ऋतु आती है फिर उसको फल लगता है। इसी प्रकार हमारी शुद्धि ग्रेजुअली होगी, धीरे धीरे होगी। और याद रखो, ब्रह्मचर्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए अनिवार्य है, बड़ा आवश्यक है। कोई कहे कि मैं ब्रह्मचर्य जीवन का पालन नहीं कर सकता पर मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, तो फिर प्रभुपाद कहते हैं ऐसा है, वो आग जला रहा है और जलती हुई आग पर ऊपर से पानी डाल रहा है, आग कैसे जलेगी, वो तो बुझ जाएगी। फिर ये प्रश्न उठता है, क्या गृहस्थियों का जीवन सफल नहीं हो सकता? अगर गृहस्थी भी नियम से तरीके से गृहस्थाश्रम में रहते हैं तो उनको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा है, तरीके से रहते हैं अगर, तो अगर वो तरीके से नहीं रहते तो फिर गृह मेदी बन जाते हैं। गृहस्थ आश्रम, आश्रम का अर्थ है जिसके आश्रय रहकर भगवत प्राप्ति का प्रयास करना, कृष्ण प्राप्ति का प्रयास करना। तो प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है, लिखा है कि गृहस्थ आश्रम की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आदमी ब्रह्मचारी से संन्यास ले सकता है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य भगवान को पाना है, जीवन का उद्देश्य इस नश्वर संसार से चिपके नहीं रहना, जुड़े नहीं रहना, इस संसार से मन को हटाना है और श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। तो अगर कोई ब्रह्मचारी नहीं है, हमने देखा हमारे यहाँ जो ब्रह्मचारी नहीं है, हर समय डिस्टर्ब है उनका माइंड, जो जीवन में उल्टे सीधे काम करते रहे, पाप कर्म करते रहे, और फिर वो अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं, ऐसी विडंबना है, कंफ्यूज हैं वो, मन उनके कंफ्यूज हैं, कोई काम ठीक नहीं कर सकते लेकिन अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, मैं बड़ा महान हूँ, बातें करने बड़े निपुण, ये सब इस दुष्ट काम का कार्य है। भगवान ने तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, पहले अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को, क्या प्रश्न किया, अथ केना प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षण्य वला दिवा नियोजितः। अर्जुन कहते हैं, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? जब कोई पाप करता है तो बुद्धि मलिन हो जाती है, उसकी अकल काम नहीं करती। और याद रखो, पाप पाप को जन्म देता है, पाप पुण्य को जन्म नहीं देगा।
तो अर्जुन ने कहा कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? उसके मन में पाप कर्म करने की प्रेरणा क्यों आती है? इसका क्या कारण है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, 30 अध्याय के 36वें श्लोक में, कि मनुष्य ना चाहते हुए, हम चाहते नहीं, फिर भी हम पाप कर्मों के लिए प्रेरित होते हैं, पाप करने को मन करता है, जाता है, और ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है, पापों में जबरदस्ती लगाया जा रहा है। इसका क्या कारण है? तो प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में, याद रखो, हम सबको ये बात याद रखनी है, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त है। हम जीवात्मा हैं और परमात्मा श्री कृष्ण के अंश हैं। हम सबका संबंध श्री कृष्ण से है, जैसा अर्जुन यहां कह रहे हैं और प्रभुपाद समझा रहे हैं। आत्मा होने के नाते, परमात्मा का अंश होने के नाते, मूलतः आध्यात्मिक हैं, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त हैं। जितने भौतिक कलमश हैं सबसे मुक्त हैं। फलतः स्वभाव से मैं भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। प्रभुपाद कह रहे हैं फलतः भौतिक जगत के पापों में स्वभाव से जीव प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है, ये माया का जगत है, इसको याद रखो, माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। बिना झिझक, अभी झिझक वो सोचने के मैं पाप क्यों कर रहा हूं, बिना झिझक के प्रभुपाद कह रहे हैं, और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः श्री कृष्ण से अर्जुन का जो प्रश्न है अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है। ये प्रश्न बना, उन्होंने जरूरी प्रश्न किया भगवान को कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है? हमारा जो स्वभाव है, हमारी प्रकृति विकृत क्यों होती है? ये बिगड़ती क्यों है? यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने से, करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, पाप करने के लिए बाध्य हो जाता है वो। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं। जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, तो सारे ब्रह्मचारियों, पूरे संसार के ब्रह्मचारियों, ध्यान दो उसकी तरफ, पाप कर्म क्यों होता है? ये 30 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच, कामेशा क्रोधेशा रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विधि एनम हि वैरिणम। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। प्रश्न आप सबके ध्यान में आया,
उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। इसका कारण रजोगुण के संपर्क में आकर उत्पन्न काम है, सारे बुराइयों सारे पापों की जड़ काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। याद रखो, इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु जो है वह काम है। याद रखो, हमें भगवान चाहिए, अगर हमें राम चाहिए, अगर हमें कृष्ण चाहिए, हमें राम बलराम जी को भी कहा है, राम भगवान और बलराम दोनों विष्णु तत्व हैं, जीव तत्व नहीं है। अगर हमें राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा, अगर काम चाहिए राम नहीं मिलेंगे तो त्याग कैसे होगा, वो भी प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में समझा रहे हैं। आप सब ध्यान से सुनो और इसको जीवन में धारण करो। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। बड़े विचारने की बात है, पर भौतिक सृष्टि में क्यों आए भाई हम? हम देखो, हम हैं, आप हैं, जो भी हैं, हम सब स्वतंत्र हैं। भगवान परम स्वतंत्र हैं, हमें आंशिक स्वतंत्रता भगवान ने दी है, थोड़ी सी स्वतंत्रता हमें है। हम वो जो थोड़ी सी स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करते हैं। क्या चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशे ते माया तारे झपटिया धरे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है, उसके पीछे माया आकर उसको झपड़ मारती है, उसको माया दबोच लेती है। तो जब हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे तो हम भौतिक सृष्टि के संपर्क में आ गए। ये सारी याद रखो, हमारा मन तो इस संसार में फंसा हुआ है, लेकिन ये संसार हमारा घर नहीं है। इस संसार रूपी घर से हमको निकाल दिया जाएगा। जब निकाल ही दिया जाएगा, हमारे पूर्वज हमारे बाप दादा माता पिता भाई बहन निकाल दिए गए, तो हमें भी यहां से निकाल दिया जाएगा, हम भी यहां नहीं रह सकते। तो इससे पहले हमको यहां से निकाला जाए, हम खुद ही तैयार हो जाए निकलने के लिए। हैं ब्रह्मचारियों, समझा रही है बात? नहीं, हम खुद ही निकलने का प्रयास करें। अब जैसे एक उदाहरण दिया है, एक सराय है, सराय में एक आदमी आके ठहरता है, तीन दिन के लिए आता है वो। उसमें बोले मैं तीन दिन रुकूंगा, तो तीन दिन के बाद उसको सराय खाली करनी है, कमरा खाली करना है, लेकिन वो कमरा नहीं खाली करता, अंदर ही बैठा रहता है। उसको पूछा सराय के प्रबंधक ने, भाई तू तीन दिन के लिए आया, जाता क्यों नहीं है? कहते नहीं, मुझे ये सुविधा अच्छी लगी और मैं यहीं रहूंगा। तो जो सराय का प्रबंधक है उसको पकड़ करके या पुलिस बुलाकर बाहर फेंकेगा। इसी प्रकार हम अज्ञानी लोग, वो व्यक्ति अज्ञानी है, सराय तो उसका घर नहीं है, वो तो कुछ दिनों के लिए वहां आया था लेकिन अभी जाना नहीं चाहता। यही हाल हम सबका है, हम थोड़े समय के लिए यहां आए थे लेकिन हम शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। तो फिर होता क्या है, यमराज के जो दूत हैं, यमदूत, वो हमको पकड़ कर ले जाते हैं।
जबरदस्ती ये मकान घर रूपी मकान को खाली करते हैं, आत्मा को जम पाश में बांध कर खींच लेते हैं, वो हमको इससे निकाल लेते हैं। तो अभी आप विचार करो सारे ब्रह्मचारियों, अपने नोएडा के और महाराष्ट्र के विचार करो कि कोई व्यक्ति घर को खुद छोड़ दे, सराय को खुद छोड़ दे, वो ठीक है, या उसको जबरदस्ती छुड़ाया जाए, क्या ठीक है? हम खुद ही ऐसे बने, हम खुद ही ऐसे बने कि हमारा इस संसार से, इस शरीर से मोह ना रहे। हम लोग भक्ति पथ को अंगीकार करके, जिसका वर्णन आगे प्रभुपाद कर रहे हैं इस तात्पर्य में, उसको अंगीकार करके हम इसे डिटैच हो जाएं, हम इस किराए के मकान यानी कि शरीर से अटैच ना हो, इससे डिटैच हो जाएं और भगवान के चरणों में अपने मन को लगा लें। और ये तभी होगा, ये याद रखो सारे, जब हम भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति करेंगे। निष्काम का अर्थ है कोई कामना नहीं, निष्काम भक्ति की शिक्षा भगवान ने खुद दी, महाप्रभु ने, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामे, ब्रह्मचर्य व्रत का प्रभु भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, मुझे सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, और मुझे बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना, तो मुझे क्या चाहिए? माम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर आहितु की त्वयि, हे परमपिता मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? मैं भक्ति तो करूं पर बदले में कुछ नहीं, वो है आहितु की भक्ति। अगर हमने मंदिर में थोड़ी सी घंटी बजाई, बदल में कुछ ढूंढा, मैं मेरे को इतना दे दो महीने का, और भक्ति थोड़ी और नौकरी है, और जो पैसे लेके घंटी बजाता वो शूद्र की संख्या में आ जाता है। भगवान को शूद्रों की सेवा नहीं अच्छी लगती, भगवान को भक्तों की सेवा अच्छी लगती है, और भक्त जो हैं बिल्कुल निष्काम भक्त। अपना भक्तों के बारे में शिल रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने बताया है, जो वैष्णव भक्त ब्रह्मचारी अन्याभिलाषता शून्यम, अन्य भाई जो अभी इच्छाएं शून्य जीरो, कोई भी इच्छा नहीं है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, बड़ा ज्ञानी बनने की भी जरूरत नहीं है। ये जो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन है, वाद विवाद करना है, ये भी नहीं चाहिए। ज्ञान कर्म, कर्मी जो सारे लोग कर्मी हैं, 99.9% लोग कर्मी हैं, फल के लिए काम कर रहे हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम नहीं चाहिए, अनुकूल लेना। शीलनम कृष्णम भक्तिर उत्तम, अनुकूल लेना शीलनम कृष्ण भक्ति, भगवान की भक्ति जो अनुकूल ढंग से हमने करनी है, प्रतिकूल नहीं। अब जैसे आप देखो कि अर्जुन ने युद्ध किया, एक अनुकूल भक्ति का वर्णन है। अर्जुन ने युद्ध किया तो किस लिए किया? अपने लिए थोड़ा किया। उन्होंने कहा मैं नहीं युद्ध करूंगा, ये भक्ति साम सिंधु में वर्णन आता है, पहला अध्याय ये 11वां श्लोक है। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तम, अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तम। अर्थात जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है,
फर्स्ट क्लास डिवोशन, प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है, तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन, मायावाद जो है से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। ब्रह्मचारियों को अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान, अद्वैत मतलब भगवान को निराकार मानने वाले जो हैं, उससे प्राप्त होने वाला ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत के 11वें अध्याय, मध्य लीला के 11वें अध्याय और 167 श्लोक में समझा रहे हैं। ये ब्रह्मचारी जीवन है। प्रथम श्रेणी की भक्ति, देखो प्रथम श्रेणी की भक्ति प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित करने से ही भगवान मिलेंगे। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है, बढ़ती है, तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, कोई भौतिक इच्छा नहीं, अन्नाभिलाषता शून्यम्, ज्ञान कर्मादि अनावृतम्, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। सकाम कर्म से और अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार, अभी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। कृष्ण की इच्छा क्या है, उसका बड़ा उदाहरण है अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को कहा युद्ध करने के लिए, पहले तो उन्होंने मना कर दिया, प्रभु मैं नहीं युद्ध करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि परिवार है, चाचे ताए ससुर गुरुजन सब दूसरी तरफ हैं, कैसे लड़े उनसे? अर्जुन तो भक्त हैं भगवान के, लेकिन क्यों लड़ना है? भगवान ने समझाया, भगवान ने सारी गीता का गायन इसलिए किया कि युद्ध करना अनिवार्य है, अगर तुम दुष्टों का दमन नहीं करोगे तो तुम्हें भी दोष लगेगा। एक बात को याद रखो, गीता का सार क्या है? गीता का सार है जुल्म करना पाप है और जुल्म को सहना महापाप है। अगर हम जुल्म सहन करते हैं तब भी महापाप करते हैं। तो अर्जुन को जब समझाया, उनको समझ में आ गया, उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, जैसे 18वें अध्याय में अर्जुन ने कहा, देखो भौतिक इच्छाओं के कारण, भौतिक भोगों की इच्छाओं के कारण हम लोग की बुद्धि मलिन हो चुकी है, हम लोग ठीक तरह से सोच नहीं सकते। तो जब हम भक्ति में लगते हैं, भगवान को अपने जीवन का, कृष्ण श्री कृष्ण को हम अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, उनकी अन्नाभिलाषता शून्यम् ज्ञान कर्मादि अनावृतम् से भगवान के, भगवान की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से जब हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो इससे हम लोग शुद्धि की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे हम भगवान की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं और श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार काम करना ही जीवन है। और याद रखो कि हम सब लोग भौतिक इच्छाओं के कारण, हमारे मनों में
बहुत सारी गंदी भावनाएं होने के कारण हम मन की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, मन जो हमारा कहते हैं वो करते हैं। लेकिन मन की इच्छा, जब मन शुद्ध नहीं है तो मना एवा मनुष्या नाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन जो है जीव के बंधन का कारण है जब ये वश में नहीं है, और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है जब ईश्वर नियंत्रण है, जब ये वश में है। हम जब शुद्ध नहीं है तो मन के अनुसार काम करते हैं, और जब शुद्ध हो जाते हैं तो भगवान की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, परमात्मा की इच्छा के अनुसार हम काम करते हैं। तो जब हम उनकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं वही जीवन की सफलता है। मन की इच्छा के अनुसार काम करने से सफल जीवन नहीं है, विफल जीवन है। अब जब मन शुद्ध नहीं है तो ये मन हमको बुराइयों की तरफ ले जाएगा, क्योंकि शुद्ध नहीं है। जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद देते थे, भूते पावो। भूते पावो मतलब आदमी के अंदर भूत का प्रवेश हो गया, वंटशंट बोल रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके अंदर भूत का प्रवेश हो गया। ये मन भी हमारा भूत है, मलिन मन भूत है। ये जो मलिन मन है ये हमको मिसगाइड कर रहा है। और आज 99.9% लोग मानसिक स्तर पर हैं और मन के कहने पे काम कर रहे हैं। ऐसा गंदा प्रचार प्रसार हो गया, बच्चे बच्चियां सब सुख भोगना चाहते हैं। अभी कल ही मुझे दिखाया गया कि वीडियो, एक नौजवान लड़की इधर राजस्थान की, शर्मा परिवार से, बिल्कुल वेस्टर्न ड्रेस उसने पहन रखी है, बाल खिलार रखे हैं, और हिमाचल की यात्रा में गई हुई है वो। वहाँ एक जगह उसने एक फोटो खिंचाया बड़े हाथ ऊपर करके, बड़ी खुश है। और एक मिनट के बाद क्या हुआ, उसने वो अपना ट्वीट किया, वो भेजा वो वीडियो सबको, अपने जो भी उसके थे फ्रेंड्स। एक मिनट के बाद क्या हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, बड़े बड़े पत्थर आए, उन पत्थरों ने पुल को भी तोड़ दिया, वहाँ पास में पुल था, और 9 आदमी और भी थे, 9 के 9, और ये लड़की भी 30 साल की जो डॉक्टर थी सब मर गए। तो हमें कोई पता नहीं है हमारे जीवन का, कब हमारे जीवन का अंत हो जाए। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी कृष्ण भावना से भावित होने का प्रयास करना चाहिए, और कृष्ण भावना से भावित हम तभी होंगे जब हम ब्रह्मचारी होंगे, जब ब्रह्मचारी जीवन का पालन होगा। अगर गृहस्थी या कोई, उसको भी ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। तो लेकिन आजकल लोगों की भावना बिल्कुल दूषित है, मरते दम तक वो बस भोग विलास में पड़े रहना चाहते हैं। तो उसे फिर भोगेश्वर या प्रसक्ता नाम तया प्रता चेत साम वया विषायात्मका बुद्धि समाधौना विधीयते। उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती और फिर वो ठीक तरह से सोच नहीं सकते, और ऐसे एक गलत सोच में उन लोगों का जीवन बीत जाता है, और एक दिन क्या होता है कि मृत्यु द्वार पर आ जाती है। मृत्यु द्वार पर आ जाती है और हमको कहती है चलो भाई अब। हम कह नहीं सकते नहीं भाई मेरा ये काम नहीं हुआ, मैं अभी कृष्ण भावना से भावित नहीं हुआ, मैं नहीं जा सकता। और ये भी याद रखो, मृत्यु किसी भी समय, किसी की भी मृत्यु आ सकती, किसी भी समय, कभी भी। ये नहीं कि उसके लिए कुछ समय होना चाहिए या कोई वृद्ध होके ही मरता नहीं, किसी समय में कोई भी मर सकता है। भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा दुख दोषों के दर्शन करने चाहिए,
क्यों कह रहे हैं भगवान दर्शन करने के लिए, क्योंकि सब के लिए आ रहे हैं। तो जो लोग संसार में खो जाते हैं, जैसे विदेशियात क्या है, पाश्चात्य सभ्यता क्या है, छोटी अवस्था से लोग बस भोग विलास में खो जाते हैं। मैंने वहां स्कूलों में देखा, कॉलेजों में देखा, गंदा व्यवहार लड़के लड़कियां कर रहे हैं, टीचर भी देख रहा, टीचर कुछ नहीं कहता, उन्होंने कह ही नहीं सकता। मैंने टोरंटो में एक स्कूल में मैं था, वो तो उसमें मेरा लेक्चर रखा था, लड़के लड़कियां गलत व्यवहार कर रहे हैं। मैंने उसको कहा, भाई तुम इनको समझाते क्यों नहीं, कि हम कुछ नहीं कह सकते इनको, ये वहां का कल्चर है। तो शुरू से वो लग जाते हैं और जीवन उनका बर्बाद हो जाता है। और मेरे प्यारे ब्रह्मचारियों, याद रखो, एकमात्र आशा प्रभुपाद जी का ये हरे कृष्ण आंदोलन है। ये हरे कृष्ण आंदोलन हम सबको गाइड कर रहा है। और याद रखो, प्रभुपाद ने लिखा है भागवत में एक जगह कि ब्रह्मचारी जीवन जो है ये भगवत प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगर कोई ब्रह्मचारी नहीं तो फिर आध्यात्मिक जीवन में, अगर मान लो कोई कहता है, जैसे एक हमारे यहाँ गुरुकुल में एक बालक है, पहले शुरू से कहता था मैंने भक्ति करनी है, अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है, छुट्टियों में घर गया था, अभी वो कहता है नहीं मैं गृहस्थी भी करना चाहता हूँ भक्ति भी। मैंने कहा दो काम कैसे करेगा तुम, नहीं हो सकते। तो हमारा मन इस संसार की ओर आकर्षित होता है। और प्रभुपाद कहते थे अगर कोई ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, संसार की ओर आकर्षित होता है, तो भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवधाम जाने के लिए उसके जो चांसेस हैं 50% 50% रिमोट हो जाते हैं। 50% उसको चांस नहीं रहता भगवत प्राप्ति करने का। पर अगर हम अच्छे ब्रह्मचारी बनते हैं, सही ब्रह्मचारी, तो हमारा बड़ी बड़ी एक आशा है कि हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। निष्काम भक्ति करनी है, विषय विकारों से बचना है, और विषय विकारों से बचने के द्वारा ही हम लोग भगवान के पास जा सकेंगे। तो भगवान ने ये जो कहा, और क्या कहा प्रभुपाद जी ने, कि काम जो है प्रभुपाद समझा रहे, अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देते हैं तो वे काम की चपेट में आ जाते हैं। अभी सेवा, हमारा काम सेवा करना भगवान की, निष्काम। जब हम इंद्रिय सुख में अपनी सेवा को बदल देते हैं तो हम काम की चपेट में आ जाते हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए के निमित्त ही, और सब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्मों में फंसी रहने के कारण पूर्णता अब ऊब जाती हैं, तो वह अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। तो आप देखो, तो ये संसार क्यों बनाया है? जो लोग भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते हैं, हम सभी ऐसे ही हैं, भगवान से अलग होकर कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे थे माया तारे झापटिया डरे। माया की चपेट में आ जाते हैं और माया हमको दंडित कर रही है बार बार। तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रभुपाद जी ने यहीं कहा है कि हमें वे गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं।
अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियां विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक अशक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। जहाँ रजोगुण की प्रधानता है, हम अपने रहने और कार्य करने के तरीके को बदल दें, भक्तों के संग में रहें, भगवान की निष्काम सेवा करें, जो भगवान ने कही है अपने मुखारविंद से, भागवत में भी है, तो निष्काम सेवा करें, भक्तों के संग में रहें, तो धीरे धीरे जो हमारा जो रजोगुण है वो सतोगुण की ओर ऊपर उठेगा। रहने और कार्य करने की विधि को बदलेंगे, रजोगुण सतोगुण में आएगा, और फिर जब सतोगुण में स्थित हो गए तो सतोगुण से हमने शुद्ध सतोगुण में स्थित होना है। शुद्ध सतोगुण बड़ी ऊंची स्टेज है, उसमें जब हम स्थित होंगे और जब अंतिम समय तुम सबका आएगा, मेरा भी, आपका भी, इनका भी, उनका भी, तो हम भगवान का स्मरण करते हुए, क्योंकि शुद्ध सतोगुण में हैं, हम भगवान का स्मरण करते हुए इस देह का त्याग करेंगे और गौलोक धाम को गमन करेंगे। ये मेरे प्यारे ब्रह्मचारियों जीवन का उद्देश्य है। आप सब बुद्धिमान हैं, कृपा करके इन बातों को समझो, खास करके ध्यान रखो निष्काम सेवा, ये प्रभुपाद जी ने बताई है और यही महाप्रभु ने भी कहा है, यही भागवत में भी कहा है, सबे पम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्ष दे आहितु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सब जीवात्माओं का काम है अधोक्ष जी, जो हमारी भौतिक इंद्रियों के परे हैं भगवान, उनकी सेवा करना और अपनी शुद्धि करना, और भगवान की भक्ति जो है सेवा अहित की, बिना किसी हित के, और भगवान के बिना हित के हम जब सेवा करेंगे हमारी शुद्धि हो जाएगी, तभी हमें अंत में भगवान का स्मरण हो पाएगा। अंते नारायण स्मृति करते हुए हम इस देह का त्याग करें। बोलो परमपिता परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो राधा रानी की, बोलो पतित पावन शील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा। 3:30 है, सबका धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न आए हैं? हाँ पूछिए, 15 मिनट के लिए प्रश्न है ना, पौने प्रश्न ऐसे कि जैसे आपने कहा कि 99.9% जो भौतिक जगत में पूरे भक्ति के विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं, तो हमें ऐसी स्थिति में भगवान की भक्ति में सेवा में कैसे स्थिर रखना चाहिए? अरे प्रयास करना है, ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। प्रयास करना है भगवान की तरफ मन को लगाने का, मन तो भगवान से हटकर संसार की ओर, बुराइयों की ओर जाएगा, लेकिन हमने प्रयास करना उनको भगवान के चरणों में लगाने का। इसके लिए भगवान ने 6th chapter में कहा है, भगवान ने कहा है कि अर्जुन ने कहा पहले, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथी बलभद्रणम तस्या हम नगर हम मन ने वायुर एव दुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, वायु को बस में करना आसान है पर मन बस में नहीं होता। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहां, जो भगवान श्री कृष्ण का परामर्श है 6th chapter में, इसे सब लोग ध्यान में रखो। भगवान कह रहे हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्णी ग्रहम चलम अभ्यास ही ना तू कौंतेया वैराग्य ना चक्रिय थे। अभ्यास करो बार बार मन को कृष्ण के चरणों में लगाने का, और मन में विराग लाओ। विराग क्या, मेरा कुछ भी संसार में नहीं, मैंने ये संसार छोड़ देना है, ये संसार मेरा घर नहीं है। अभ्यास और प्रयास,
विराग। कृष्ण इससे कि हम ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य साथ में मिलकर रहते हैं तो ऐसे होता है कि ज्यादा पास में रहने से और एक दूसरे के दोष देखते हैं, फिर दोष देख के निंदा हो जाती है तो भक्ति में बहुत बड़ा व्यवधान हो जाता है, तो कैसे बचेंगे? प्रयास करना उसके लिए, इन बातों को पहले थ्योरेटिकली समझना है फिर प्रैक्टिकली जीवन में लाना है। इनको ट्राई करने से धीरे धीरे समझेंगे। अगला प्रश्न इससे महाराज जी के निरंतर हरिनाम कैसे करें हमारे प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से, बताएं हमारी नाम में कोई रुचि भी नहीं है और नाम जप करना सुख लग अच्छा नहीं लगता है, तो कैसे ऐसा है कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मराज दास। धर्मराज, वाह आप तो धर्मराज दास हैं, धर्मराज से डायरेक्ट संपर्क है आपका, नहीं धर्मराज जी? तो धर्मराज जी ऐसा है कि नाम में रुचि क्यों नहीं है हमारी? प्रभुपाद जिसका एक उदाहरण देते हैं, एक आदमी को जॉन्डिस का बीमारी हो गया, पीलिया रोग हो गया, तो पीलिया का जो रोगी है उसको शक्कर खाने के लिए दी जाती है, मीठा खाने के लिए, पर उसको मीठा मीठा नहीं लगता, कड़वा लगता है, क्यों? वो बीमार है। इसी प्रकार हरि नाम बहुत अच्छा है लेकिन हमारी रुचि नहीं होती उसमें, तो पीलिया के रोगों को बुद्धि से काम लेकर उस शक्कर को जो उसको कड़वी लग रही है उसको ही बार बार खाना है, बार बार खाना है, अपना गन्ने का रस पीना है, मीठा खाना है, तो बार बार खाने से क्या होगा, उसकी जब वो जॉन्डिस बीमारी क्योर होगी तो धीरे धीरे वो शक्कर जो कड़वी लग रही थी वो मीठी लगना शुरू हो जाएगी, उसमें टेस्ट आ जाएगा। इसी प्रकार भक्ति करते करते जब ये हमारी बीमारी जो है, भौतिक रोग जो हमको लगा है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये रोग जो लगा है धीरे धीरे जैसे जब ठीक होगा तो हमें ये अच्छा लगना, हमारी रुचि इसमें पैदा होगी, ग्रेजुअली इसमें रुचि पैदा होगी, पर पहले हमने बुद्धि से काम लेना है। ये जो निर्णयात्मक बुद्धि भगवान ने हमको दे रखी है, जो पशुओं में नहीं है, उनमें बुद्धि है पर लिमिटेड है, सीमित है, खाने सोने इंद्रियों का तर्पण करने और अपनी रक्षा करने के, हमारी बुद्धि अनलिमिटेड है। हम नहीं समझ सकते, पशु नहीं समझ सकते ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, नहीं, मनुष्य समझ सकता है। तो हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके धीरे धीरे नाम को जपना जिसमें हमारी रुचि नहीं है, यही जपते जपते शुद्धि जब होगी रुचि पैदा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है धर्मराज जी। अगला प्रश्न महाराज जी, एक तो आपने पूछा है कि जो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में प्रश्न ये, इफ वी रन अवे फ्रॉम आवर मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू टू फियर एंड टेकिंग एक्सक्यूज ऑफ भक्ति, इज इट ओके? इज देयर चांस ऑफ फॉल डाउन इन फ्यूचर? प्रभु जी प्लीज एड्रेस माय दिस क्वेश्चन। क्या क्या कहा जी सुनने? कुछ समझ नहीं आया हमको अच्छी तरह से, आप जल्दी में पड़ गए वो। ठीक है, मैं है कि कौन प्रश्न कौन कर रहा है ये? ये प्रश्न कर रहा है, इनका नाम, ये नाम तो पता नहीं, तो प्रश्न ये है कि हम भौतिक जगत में बहुत सारी जिम्मेदारियों को भय के कारण छोड़ के भक्ति लेते हैं, क्या सही है? अगर भविष्य में अगर हमारा कुछ पतन हो गया तो कैसे होगा? देखो ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग हियर,
क्यों हम यहां से है ही नहीं, वी आर नॉट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना है हमने, वो भगवान ने गीता में बताया है। भगवान ने कहा है यत करोषि यद अश्नाषि यद जुहोषि ददासि यत यत तपस्यासि कौंतेया तत् कुरुक्षेत्रम् मत अर्पणम्। ए कुंती पुत्र, व्हाट एवर यू डू शुड डू एज यू शुड डू एज एन ऑफरिंग टुवर्ड्स मी, मेरे लिए करो, अपने लिए मत करो। यज्ञार्थ कर्मनो अन्यत्र कर्म लोको बंधना, जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है वो मुक्त करेगा हमको, अपने लिए जो करेंगे वो बंधन में डाल देगा। पैसे कुछ नहीं करना। और प्रभुपाद कहते थे लोग बड़ा काम करते हैं, अमेरिका में 16-16 घंटे रोज लोग काम करते हैं, फॉर बट दे आर वर्किंग फॉर नथिंग, वी आर वर्किंग फॉर नथिंग। जो कुछ भी संसार का काम है इसमें से कुछ काम हमें नहीं आएगा, इसलिए हमको कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, असल में जो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हमारी असली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भगवत प्राप्ति है, भगवान को पाना है। और ये प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया है, ये परिवार की जो मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो पशु पक्षी भी अपनी करते हैं। पशु पक्षी भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वो भी उनका पालन करते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को खिलाती या खुद नहीं खाती है? उनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं बच्चों की। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हमने हर योनि में की, पर मनुष्य शरीर में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान को पाना, उनकी प्राप्ति करना, उनकी शरण में आना, उनके लिए जीना, उनके लिए मरना, उनके लिए सब कुछ करना। धर्मराज जी समझ आया आपको? ये बेंगलोर से बेनी माधवपुर पूछ रहे हैं, पूछते हैं कि भौतिक जगत में महामाया बहुत प्रभाव डालती है जीव पर, वैसे तो योग माया और महामाया दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, फिर भी जीवों पर प्रभाव तो माया का होता है, उसके नियंत्रण में रहना पड़ता है, तो जीवों को तो महामाया का ही प्रभाव हो जाता है भौतिक जगत में, वैसे तो शक्तियां तो दोनों भगवान की है, तो फिर हमारे योग माया का प्रभाव क्यों होता है महामाया का? उसके लिए भगवान ने कहा है मांगी पार्था विपाशित्या ये भी सुपाप ही होने जा। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी योग माया के प्रभाव में आ जाता है। हम भगवान की शरण में आएंगे तो तभी हम पर भगवान की माया का, योग माया का प्रभाव होगा ना, नहीं तो महामाया के प्रभाव में हम रहेंगे, महामाया के अधीन रहेंगे, क्योंकि काम हम माया महामाया के संबंधी काम कर रहे हैं हम, इसलिए महामाया के अधीन है। जब भक्ति करेंगे, अच्छे बनने का प्रयास करेंगे तो योग माया के अधीन आ जाएंगे। प्रश्न ये है कि महाराज जी हम कहते हैं ऊंचा स्वाद हायर टेस्ट फाइव टेस्ट कहते रहते हैं, क्या होता है, कैसे प्राप्त करना है? वही वो बात, प्रयास, ट्राई करना है, प्रयास करना है, भक्तों के संग में रहना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। हमने नवदा भक्ति को अपनाना है, भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना है, सतत भगवान का चिंतन कर, तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति दे। जो प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करता है, भगवान कहते हैं और मैं उसको बुद्धि योग देता हूं, अकल देता हूं, जिसके द्वारा वह मेरे पास आ सकता है। ठीक है धर्मराज जी, प्रेम से भी करना मुश्किल होता है और हर समय भी करना मुश्किल होता है, दोनों को कैसे मिलाएगी, हर समय भी करना है और प्रेम से भी करना है?
प्रयास करने से प्रयास करना दोनों हो जाते हैं कि अभी जैसे एक बार दो फ्रेंड मिले आपस में, दो फ्रेंड मिले, एक फ्रेंड दूसरे को पूछता है बड़े दिनों के बाद मिले, वो पूछता भाई कभी आपने हमको याद किया, दूसरा फ्रेंड को जवाब नहीं देता उसको, कहते मैं आप चुप हैं कुछ सोच रहे हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे आप, आपने कभी हमको याद किया, वो चुप है, फिर पूछता वो कहते क्या सोच रहे हैं आपने हमको कभी याद किया इतने दिनों के बाद मिले, कहते मैं ये सोच रहा हूँ मैं भूला कब था आपको, हम कभी भगवान को भूले ही नहीं, ऐसी स्टेज आनी चाहिए हमारी, और कईयों की है, प्रभुपाद को मैंने देखा है, उनके साथ रह के देखा है, प्रभुपाद बस ऑलवेज इन ए ट्रांसेंडेंटल स्टेज, हर समय भगवान के साथ में है वो, कोई समय हमने ऐसा देखा नहीं कि जब प्रभुपाद कहीं इधर उधर हों, वो उनका ध्यान भगवान के चरणों में, उन्हीं का सब कुछ समझ के वो सब काम कर रहे थे। धर्मराज जी तो न्याय करना है फिर आपने है? हैं तो आप कृपा कीजिए हम सभी ब्रह्मचारियों के ऊपर कि आपने पूरे जीवन भर जो कितना भक्ति किए प्रभुपा जी के चरणों में सालों सालों से बने रहे और हमारे अंदर भी ऐसी कृपा हमें दर्शाइए जिससे हम भी आपके चरणों का अनुसरण करके पूरा जीवन बिताएंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ में है, आप लोग आगे बढ़ो, भक्ति में आगे बढ़ो, पर ध्यान रखो निष्काम कामना नहीं कोई भी, निष्काम भक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा प्रभुपाद ने, अगर कोई पैसे लेके भक्ति की जाती है वो पैसे जो लेता वो शूद्र की संज्ञा में आ जाता है, शूद्र की सेवा भगवान को पसंद नहीं है, भगवान ब्राह्मण की सेवा पसंद करते, और ब्राह्मण निष्काम। प्रभुपाद चाणक्य पंडित का उदाहरण दे रहे हैं, चाणक्य पंडित जो थे वे राजा के मंत्री थे पर वो ब्राह्मण थे, उन वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन कुछ भी नहीं, राजा से कुछ नहीं, वेतन नहीं लेते थे, वो परामर्श देते थे और बड़ी सुंदर उनकी गाइडेंस है। प्रभुपाद ने चाणक्य नीति की बहुत जगह 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 बात की है, ही वॉज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, ब्राह्मण था पर सैलरी नहीं लेता था वो कुछ भी, हमें ब्राह्मण बनना है जन्म से नहीं, कलयुग में कर्म से, कलयुग में जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, जन्मना जायते शूद्रा संस्कार दुजोत्मा वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ठीक है धर्मराज जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपका भी धन्यवाद, विश्वरूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्रीमान राधिका वल्लभ प्रभु जी जो नोएडा के ब्रह्मचारी है, उनके प्रयास से हर समय महाराज संपर्क में रहे। अच्छा आप कहाँ के ब्रह्मचारी हो? मैं पंडरपुर में रहता हूँ। आज पंडरपुर में रहते हैं, आप थे तब वहाँ पर? मैं यहाँ से जब आरोड़े आए थे तब मैं था। अच्छा मैं पंडरपुर गया था ना विठल भगवान के दर्शन करने के लिए, विठल भगवान पंडरपुर में है ना? हाँ महाराज जी। हाँ आप थे वहाँ पर तब? अरवड़े में थे आप? अच्छा अच्छा, तो आप महाराष्ट्र के इकड़े आयला तिकड़े जायला एक महाराष्ट्र भक्त मिला मेरे को उधर, इधर से ही था वो आपके महाराष्ट्र से, कहाँ पर अमेरिका में मिला कहीं, मैंने कहा तुम ही कसा है, कहते मैं कसाई नहीं हूं ठीक है धनराज जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो भाई जी छुट्टी करो।